अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरी माँ को सजा देकर तुम लोगों ने सारी हदें पार कर दी। ये वाहियात काम मेरी माँ नहीं करेगी। तुम दोनों को जो करना है कर लो, लेकिन मेरी माँ जूते साफ नहीं करेगी। तुम्हारी माँ नहीं तो तुम्हारा बाप करेगा। बहुत हो गया तुम लोगों का। आप हमारे बच्चों को कुछ मत कीजिए। रानी रानी अपने भाइयों को समझाओ ना, अपने भाइयों को मना करो ना कि मुन्ना के साथ कुछ ना करे। वो तो तुम्हारा होने वाला पति है ना, कुछ तो बोलो। माँ, मैं इस लड़की से कभी भी शादी नहीं करूंगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं जा रहा। रानी क्यों खड़ी हो, बताओ ना अपने भाइयों को, बोलो। चलो चलो, बोलो बोलो अपने भैया को। अब भैया आप प्लीज सरपत भैया को बोलिए ना कि वो शांत हो जाए। सरपत शांत हो जा। नहीं भाई, आज मैं नहीं, ये छोरा शांत होएगा। नहीं 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 सरपत जी, मैं पैर बढ़ते प्लीज देवेंद्र जी को कुछ मत कीजिए, उन्हें जाने दीजिए प्लीज। सरपत जी देवेंद्र जी को कुछ मत कीजिए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बंदूक का रुख मोड़ दिया। आज इस छोरे का अंतिम दिन है। सरपंच जी क्या कर रहे हैं आप देवम जी को मार कर अपने होने वाले भांजा भांजी के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं? क्या कर रही हो तुम देवम जी? क्यों इतने बड़े पाप के भागी बन रहे हैं आप? ये बकवास कर रही से तू? सच कह रहे हैं हम, अगर आपने देवम जी को मार दिया तो आप अपनी बहन के बच्चों को अनाथ कर देंगे, उनके सर से पिता का साया हट जाएगा, वो जिंदगी भर आपको कोसते रहेंगे, आपको अपना पापी मानेंगे। आप लोग ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? अब भैया भैया प्लीज उनको छोड़ दीजिए। देखिए आपको आपको हमसे तकलीफ है ना, आप हमें सजा दीजिए, हमने गलती की है। आप बस दिव्यम जी को जाने दीजिए, आप जो सजा देंगे ना हमें सब कुछ मंजूर है, हम उस तक नहीं करेंगे। बस प्लीज दिव्यम जी को कुछ मत कीजिए। देखा कोई जरूरत नहीं ये सब करने की। ठीक से तो अब सजा तू भुगतेगी। राधिका को क्या सजा देने वाले हो तुम लोग? दामाद जी इतना उतावला क्यों हो रहे हो?
अब ये राधिका रानी की परमानेंट नौकरानी बनकर रहेगी और उसकी हर एक बात बिना कुछ कहे रोबोट की तरह करते जाएगी। राधिका ऐसा कुछ नहीं करेगी। मम्मी जी अब दिव्यम जी को समझाइए, इतनी मुश्किल से ये दोनों शांत हुए हैं फिर भड़क गए तो। हाँ हम कुछ कर मुन्ना, तू बीच में कुछ नहीं बोलेगा, तुझे हमारी कसम। लेकिन तो चुप रहेगा। लगता है दामाद जी को खुली हवा रास नहीं आ रही है, बाहर निकलते ही बागी बन गया। लगता है इसे वापस कमरे में बंद करना पड़ेगा। नहीं 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 प्लीज हमारे मुन्ना को बंद मत करिए। देखिए हमने आपकी सारी बात मान ली है ना, अब जो करेंगे ना वो करेंगे, बस देवम जी को कमरे में बंद मत कीजिए आप प्लीज। राधिका लेकिन देवम जी आप कहते हैं ना कि हमें कंपटीशन में हिस्सा लेने में बहुत मजा आता है, मुश्किल काम करना हमारा जज्बा है, तो समझ लीजिए ये भी वही है। आप प्लीज इन सबके बीच में मत आइए, हमें करने दीजिए। तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हमने मना किया ना उसे, हमने अपनी कसम दी है तो हमारा बच्चा हमारी कसम का मान रखे, कुछ नहीं बोलेगा। मुन्ना तू कुछ नहीं बोलेगा ना बेटा? माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना आपकी बातें समझ में आ रही है, ना आपकी हरकतें समझ में आ रही हैं। क्यों डर रहे हैं हम लोग इन लोगों से? ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, काटने वाले नहीं। दादी आप ही कहती है ना कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, ये लोग बंदूक की नोक पर रख के हमें डरा रहे हैं और हम डर रहे हैं। एक बार मना करके देखिए तो सही, ये लोग करते क्या हैं? धर्म जी अगर हम मना कर रहे हैं तो कभी ये आपको तो कभी पापा जी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ना ही हम आपको खोना चाहते हैं और ना ही पापा जी को। इस वक्त ना इनकी बात मानने में ही हमारी भलाई है। आप सब लोगों को ना कुछ समझाना ही बेकार है, मैं कब से यहाँ पे चीख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा किसी को कुछ भी। आप लोगों को जो करना है कीजिए। क्या करना है हमें? साइकिल को अच्छे से चेक करना, ब्रेक्स भाई ये सब कुछ ठीक होना चाहिए। क्या? लेकिन रानी ऐसे प्रेगनेंसी में साइकिलिंग करना ठीक नहीं है। हाँ और वो भी इतनी धूप में। मम्मी जी मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, आपको चाहिए तो आप सुन लीजिए। जी हाँ आप साइकिलिंग कर सकती हैं, उससे बच्चा स्वस्थ होगा और धूप भी लीजिएगा, उससे आपको विटामिन डी मिलेगा। साइकिल हमने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। ओ चोरी हटाया। ले ले ये भी पकड़। ये भी ले और इसको भी पकड़। हमारी बहन साइकिल चलाने जा रही है, तू उसकी गुलाम बन के पीछे पीछे घूमेगी, उसे किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो दे देना। देख क्या रही है बाग? जाना जल्दी। राधिका की बातें ना मुझे कभी समझ नहीं आती, इस घर में किसी को उसकी परवाह नहीं है लेकिन फिर भी सबके पीछे अपनी जान लुटाती रहेगी ये लड़की। तुम सब यहाँ क्या देखन लाग रहे हो, चलो जाओ अपना काम करो। ओ गोलू भाई साहब कहाँ चल दिए, सब्जी आई कि नहीं? हाँ हाँ वो मैं बस लेने ही जा रहा था। कली जाओ मेरा हेलमेट लेकर आओ अंदर से। अब अंदर से कहाँ से,
मैंने मैंने शायद माँ के रूम में रखा है। जाओ अभी लेकर आते हैं। जा रही है। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।